हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑल राउंडर। तो ये जो है ये मंडे का ये है और यहाँ पे है ना ये ब्रेकफास्ट है। तो ये पराठे और चाय ही बनाई हमने और आज दिन की घर में थी। बारिश का मौसम था तो उसको लगा कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो वो नहीं गई थी घर में पढ़ाई करना, उसको अच्छा लग रहा था। और ये उसका नाश्ता है, वो सब्जी चाय और पोहा और पराठा ये खाएगी और मेरा ये चाय, मैं चाय पराठा ही खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं है सही। वेलकम बैक माय चैनल तो वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो कैसे हो आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। और है ना अभी मतलब मैंने आज है मंडे और आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग में मैंने अपने क्या बोलते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट शेयर किया था क्योंकि आज है ना मेरी बता रही है कि तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। छाले के नड्डे में यहाँ पे दुख रहा है तो खांसी हो गई है, मेन बात है खांसी। तो वो है ना एकदम और एकदम अशक्तपना, बुखार तो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं काम ना करो और अजीब सा मतलब फीलिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यूट्यूब छोड़ ही देती हूँ। फिर एक विचार करती हूँ, अरे अर्निंग नहीं हुई तो क्या हुआ, अपनी मेमोरी तो यहाँ पे सेव रहेगी, इसलिए फिर ऐसा लगता है कि वीडियो भी बना लिया जाए। तो अर्निंग के चक्कर में नहीं ये कर रही हूँ। और अभी मैंने नहा भी लिया है और क्या बोलते हैं अभी डिंकी आज स्कूल नहीं गई है, पता नहीं वो आजकल बोलती है कि मैं घर में ही पढ़ाई करना अच्छा लगता है, स्कूल में पढ़ते नहीं है। तो आज उसका वो बादल थे ना, मूड नहीं था, तो पढ़ाई तो सुबह से करती है, 4 बजे से उठती है, मेहनत करती है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जितना मेहनत करे ना, मेहनत करने वाले को कोई हेल्प नहीं रहती। मैं पूरा एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। फिर भी देखती है बेटियाँ बहुत मेहनत करती है, सुबह उठती है 4 बजे पढ़ाई करती है, फिर स्कूल जाती है, स्कूल से आती है थोड़ी सी सोती है, फिर और 6 बजे से 10 बजे तक करती है, फिर 10 साढ़े 10 बजे सोती है, फिर और थी पता नहीं उसके डार्क सर्कल भी आ गए हैं। और परी भी बहुत मेहनत करती है, उनका रिजल्ट तो पेरेंट्स मीटिंग में अच्छा मतलब बताया है। और बस यही है कि जो वो सोचे वही वो बने और बस अब यही है। तो इसलिए मैं देखिए खांसी हो गई बहुत मतलब झटके आते हैं खांसी के, दवाई भी चल रही है हॉस्पिटल। ऐसा नहीं कि मैं बिना दवाई में हॉस्पिटल भला ही नहीं जाती हूँ, लेकिन कभी मैं इस बार है ना मुझे खांसी के लिए जाना ही पड़ा। खांसी हो गई और यहाँ पे दुख रहा है, बहुत दर्द होता है अंदर से, मतलब खाना वगैरह ये जो अपन गिटकते हैं ना वहाँ पे। तो गाइज अब हम मेरा लंच ब्रेकफास्ट हो गया, लंच भी बना लिया है, बस अब परी की वेट करते हैं। परी तो 2 बजे आती है तो देखते हैं हम सॉरी तो डिंकी और मैं अभी खाना खा लेती हूँ, मिलती हूँ बाद में क्योंकि खांसी आ गई, पानी पी लेती हूँ। फिर मैं एकदम आपको शाम को मिली और गेहूँ भी बिनना था मुझे। ये गेहूँ जब से मेरे आई गई है ना मुझे गेहूँ का बहुत आदत है, लेकिन क्या करें भाई, पापी पेट के लिए करना ही पड़ता है। और ये हम दोनों मिलके करते, लेकिन ये ड्यूटी से आए थे तो वो थोड़ा सा आराम करते क्योंकि उनकी भी बहुत मतलब थकान हो जाती है ना सुबह उठो भी। तो इसलिए मैंने कहा आटा वाटा ख़त्म हो जाएगा उसके पहले ही अपन बिन के रख दो। तो मैंने ज़्यादा मतलब गेहूँ तो साफ ही थे, बस मुझे छान के ही रखना था और थोड़े से कंकड़ वगैरह जो कचरा है वही साफ़ करना था। तो मैं टीवी देखते देखते यहाँ पे ना साफ कर रही हूँ और मेरा गले में मतलब मेरी तबीयत नहीं है सही गाइस, तो इसलिए ना मेरे वीडियो भी आपको नहीं मिल रहे 2 दिन के बाद क्योंकि ये तबीयत की वजह से ही हो रहा है। और ये क्या है यूट्यूब में इसलिए आई अभी मतलब ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मुझे हमेशा ये रहे। तो अभी ये दूसरे दिन की मॉर्निंग है और यहाँ पे मैं ना जा रही हूँ डिंके परी को छोड़ने। वो वेदर देखिए बहुत मतलब मस्त है, ठंडी हवा चल रही है लेकिन रात को इतना गर्मी हो जाती है, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है गाइस, पता नहीं क्या हो गया अंदर से छः जो यहाँ तक छाला है ना वो बढ़ता जा रहा है, देखते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ डिंके परी को छोड़ने के लिए और अब भी सो के उठी हूँ। आज टिफिन भी बेचारी है उसके पापा ने बना दिया था, अच्छा तूने बनाया देखो भी मैंने बनाया, अच्छा तूने बनाई, मैं उठी नहीं थी क्योंकि खांसी के मारे रात भर नींद नहीं आई दवाई लेने के बाद भी। गेट लगा दो, टिंकल को बोल देना वो गेट लगा दो ना, वो वाला भी लगा दो बाय कर दे टिंकल, टिंकल की भी तबीयत खराब है, उसको भी खांसी हो गई, खांसी नहीं सर्दी। तो फिर मैं मिलती बाद में आपको। तो
फिर ये देखिए डिंकी पर स्कूल से आ गई थी और देखिए कितनी लाल लाल वो लाल क्या बोलते हैं लाल मिर्च है ना तेल में ये की थी क्योंकि हमने पुलाव बनाया था तो उसको तीखा चाहिए था। तो मैं भी यहाँ बैठ के खा रही हूँ और बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।